वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी ये बिल्लो है एक्चुअली डिलीवरी देने करने वाली है, तो इसलिए वो इस तरह से पूरे घर में घूम रही है हर जगह म्याओ म्याओ करते हुए, और वो किसी के भी पास रहेगी, मतलब जो इससे ज़्यादा अटैच है वो उसके पास रहेगी। और मम्मी लोग को उठाने गई थी अभी मॉर्निंग का टाइम, ऐसे तो हमेशा डिलीवरी से नाइट में किया है, बिल्लो घूर के पास नहीं आओ, तो अभी देखते हैं इस बार मुझे लग रहा है मॉर्निंग में करेगी हमेशा। अभी वो सबको उठाने जा रही है, उसका कंटिन्यू यही चालू है कि घर में सब जन उठ जाए, बिकॉज उसको पसंद नहीं है वो डिलीवरी दे, तो ऐसा इसका है कि सब उठे, तो वो भी अंदर ही है सबको उठाने। तो आज मैं पहली बार है इसकी, बहुत 5 to 6 डिलीवरीज हो चुकी है, बट ये पहली डिलीवरी होगी जो मैं शूट करूँगी फुल वीडियो। सो लेट्स स्टार्टेड, लेट्स सी कि बिल्लो कब तक डिलीवरी देती है एंड आई हैव वे। सो आप थोड़ा सा आगे स्किप करके देखना है जब डिलीवरी देगी, अब मैं ये वीडियो तब शूट करूँगी। मैं मॉर्निंग में अभी तो मैं बहुत जल्दी करूँगी, आपने हाथ ही देखा जैसे है, मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट यू बाय। तो इस तरह से कंटिन्यू मेरे पास आके, मतलब वो लोग उठ नहीं रहे तो वो यहाँ आके म्याओं 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 कर रही है और हाँ भी रही है। बिलो उसका नाम बिलो, क्या हुआ बिलो? हाँ माँ क्या हुआ, क्या हुआ? ये हमारी हूर सो रही है, छोटी हूर, तो फिर इसके लिए यहाँ बैठी आओ बिलो, हाँ मेरा बच्चा वही। मेरे पास दो दो बिल्लियाँ हैं, एक ये छोटू बिल्ली है मेरी और एक ये। आपकी बिल्ली डिलीवरी करने वाली हो तो ऐसे डब्बा लेना चाहिए, उसके अंदर ऐसे कपड़ा डालना चाहिए, तो वो डिलीवरी, अभी मैं डिलीवरी का ब्लॉग बना रही हूँ, कैसे बच्चा होगा, कट कैसे करेंगे सब। सच में ओके, सो ये देखो ऐसा फ्लूड गिरना स्टार्ट हो गया, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा ब्लीडिंग या ऐसा कुछ होने लग जाता है, तो फिर आप समझ जानेगा कि थोड़े टाइम बाद डिलीवरी हो जाएगी। इस तरह से सो डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपने पानी का मग्गा उसके बाजू में रखना है, मेरे यहाँ बाजू में ही पानी का मग्गा है तो मुझे टेंशन नहीं है। खाना ये टाइम पर वो लोग खाते नहीं है, फिर भी रख देना चाहिए साइड में कि वो लोग खाए, और वेट करना चाहिए, वो लोग जितना कंफर्टेबल रहेंगे उतना अच्छे से डिलीवरी करेंगे, जितना वो लोग मूव करेंगे यहाँ से वहाँ नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी कि हम वेट करेंगे ये कब तक डिलीवरी कर सकती है, और ये जिससे भी जो भी बिल्ली से ज़्यादा अटैच रहेगी उसके साथ ज़्यादा रहेगी, तो ये इसी की बेटी है ब्लैकी, तो ज़्यादा इसी के पास अभी घुसती है, मतलब इसी के साथ रहती है, ये ब्लैकी के साथ ही रहती है, मेरी ब्लैकू के साथ। अपने ये एक बड़ा सा टुकड़ा ऐसा कपड़ाई का ले लेना है, छोटे छोटे ऐसे पीसेस लेना है जो आईज़ और नोज को क्लीन करने के लिए काम आएंगे, और छोटी कैची लेना है, मैं बहुत ज़्यादा ही बड़ी ली हूँ, आप लोगों ने छोटी कैची लेना है, मैं बहुत यूज़ टू हो गई हूँ, 3-4 बार डिलीवरी हो चुकी है, सो आई एम वेरी यूज़ टू, सो ये मैं नहीं यूज़ करूँगी, इसको आई विल बी कीपिंग। आप जितना हो सके जितने टुकड़े होते हैं ना आपके पास उसको संभालें, और ये वाले को आपने यूज़ करना है, ये दोनों को आपने यूज़ करना है, और एक सीज़र यूज़ करनी है और गर्म पानी बस। पानी नहीं लो तो आपको इसका ऐसा फेस और ये सब क्लीन करना है, पानी से भी इसको पोंछना है। अभी नहीं बोलना आप? नहीं अभी बोलती हूँ मैं, तो आपको क्या करना है, आराम से ये जो नाल है इधर से नाल के पास से इतना कट कर देना है, कुछ ज्यादा नहीं कर दिया आपने, ठीक है ये बच्चा और ये अलग बंद, इस तरह से घर में पूरा घान हो जाता है। बिलो बिलो जाओ अंदर जाओ, बच्चे के पास जाओ, चलो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, चलो मम्मा ठंडी है, चलो जल्दी बिल्ली के बच्चे को बिल्ली के पास रखने का, ताकि उसको थोड़ी गर्माहट मिल सके। लोग को हमने गर्म पानी से पोंछने का, एकदम भी गर्म पानी नहीं बट गर्म रहना चाहिए, ठंडा नहीं रहना चाहिए पानी, उससे हमें उसे पोंछना चाहिए, बिल्ली के पास दे देना चाहिए, तो बिल्ली क्या है वो अपने जबान से फिर उसे अच्छी तरह से पोंछती है और थोड़ा गर्म रखती है। और ये नाल होता है जो कुछ कुछ लोग लोग संभालते हैं, कहते हैं कि लाइक कुछ कुछ उसका मिथ है कि यू विल बिकम रिच और समथिंग लाइक दैट, बट ये अगर हम अपनी बिल्ली को नहीं खिलाते तो वो बीमार पड़ जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ये हमें दे देना चाहिए कि वो खा ले। तो ऐसे एक गर्म पानी ले लेना है, एक नॉर्मल पानी का मग्गा अलग रखना है और खाने का, बट आई नो कि मेरी बिल्ली पानी पीती है, खाती नहीं है, तो उसके पानी का मग्गा वो साइड रखा हुआ है जो उसे पता है, और ये सब हमें लगेंगे और मत फाड़, अभी कभी लगेगा तब फाड़ना। और ये बच्चे को अभी एक डिलीवरी हो गई है, दैट डजंट मीन कि हो गई, यूजुअली बिल्लियाँ 4 बच्चे देती है, तो आपने एक बच्चे के बाद दूसरा तीसरा चौथा 3 बच्चे का वेट करना है, और हर डिलीवरी 15-20 मिनट के गैप के बाद होती है, या फिर आधा 1 घंटा 2 घंटे के बाद भी होती है, तो आप कुछ कन्फर्म नहीं है कि कितने टाइम बाद होगी, आपने चुपचाप से वेट करना है बस। और ये हुई सेकेंड डिलीवरी, यू कैन सी सेकेंड जो बच्चा हुआ है वो भी काला सा हुआ है, काला कलर सा,
पिलो खुद ही उसको क्लीन कर रही है, तो पहले वो पूरा बाहर आ जाए तो हम उसे अपने हाथ में लेंगे, बिकॉज प्लेसेंटा भी होता है जो अटैच्ड होता है, तो कभी कभी वो आधा ही आता है और आधा नहीं आता है, तो अभी आधा ही आया है और आधा नहीं आया है, बट हमें इसका मुंह पोंछना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये सांस नहीं ले पाता है, वरना कुछ सांस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अभी हम, ये हो गया हमारा एक बेबी, ये दूसरा बेबी, दोनों के दोनों काले, ओके। मैंने बहुत अर्जेंसी में ये वीडियो बना रही हूँ, सो मेरे पास कैमरा होल्डर है बट मैंने निकाला नहीं है, ओके। तो अभी हम बेबी को निकालते हैं, लो बेबी का ऑलमोस्ट आधा निकल गया है, तो आधा हो गया ना, हेलो, हाँ ठीक है, ओके। सो यू कैन सी ये बेबी हो गया है, मूवमेंट कर रहा है, बस नोज वोज पोछना पड़ेगा अच्छे से, मुंह पोछना पड़ेगा इस तरह से नोज, और ये है इसकी नाल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस, ओके। सो इसको हमें कट करना पड़ेगा, इसको दुमची से ध्यान देना होगा कि टेल अटैच ना हो, और एक इंच का रखकर सीजर चलाना होगा, ठीक है। जब जब आप सीजर यूज़ करो मेक श्योर करो कि वो गर्म पानी में यूज हो, डिप हो चुकी हो, ये एक इंच का कट, ठीक है, थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट स्टफ, ओके, ठीक है। कट करने के बाद ये साइड पे थोड़ा सा दबा देने का कि ब्लीडिंग ना हो ज़्यादा, रुक जाए, वैसे तो इसका ब्लीडिंग नहीं होता है, एक इंच आपने रखना है और कट करना है, ठीक है। और ये जो है ये प्लेट में, ये मेरी बिल्लो खाएगी, और ये बेबी को हम वाइप कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज इसे ठंडे में नहीं रखना है। तो ये बिल्लो को याद से, मतलब जो भी आपकी कैट होती है उसको याद से हमें ये खिलाना होता है, वो कभी कभी नहीं खाती है बट हमें इसे खिलाना होता है, मेरी बिल्ली खाएगी, अभी वो थोड़ी डिहाइड्रेशन में बहुत सारा पानी पिएगी तो खाएगी। ये बच्चा मूवमेंट कर रहा है ना, बिलो उसको क्लीन करो, वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है माशाल्लाह से, बट ये वाला चुटकू नहीं कर रहा है क्या, बताओ, ए बिस्मिल्लाह करेगा, क्योंकि कर तो रहा था, ब्रीथिंग हो रही थी, अभी बिलो उसको थोड़ा गर्म करेगी, लाइक गर्माहट अपनी देगी तो फिर वो बेटर फील करेगा। इस तरह से आपने उसको दे देना है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रही है, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया कि वो बाहर बैठ के खा ले, तो नहीं खा रही है, तो इसको आपको अंदर ही देना पड़ेगा, वो जैसे कन्वीनियंट वे में खा रही है आपको उस कन्वीनियंट वे में उसको देना होगा, मेक श्योर करना होगा कि वो खा ले, बस दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो फटाफट खा लिया बिल्लो ने, और ये मेरे घर का हालत हो गया है, पूरा मैस। सो ये हुआ थर्ड बेबी बॉर्न, लाइक इफ यू गाइस कैन सी, तो ये हो गया थर्ड बेबी बॉर्न हो गया है, अभी मुझे सीजर लेना है, गर्म पानी में डिप करके वॉश करनी है, और ये ओह नो 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 नो, ये देखो ये ऐसा पतला सा लेयर में रहता है, मेक श्योर कि जो पतला सा लेयर है ना, सॉरी फॉर गाइस कांसे, ये जो है ना ये पड़ जाए बस, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पड़ जाए, बच्चे को हम इसमें नहीं रख सकते ज़्यादा देर, जब वो बाहर आ जाए तो, इस तरह से एक बार उसकी ये पड़ जाए तो फिर हमें टेंशन नहीं है ब्रीथिंग का, बिकॉज फिर उसको हम उसके फेस के पास वाइप कर सकते हैं नोज़ वाला एरिया उसका, और फिर हम थोड़े टेंशन फ्री रहेंगे, फिर क्या, फिर प्लेसेंटा थोड़ी टाइम बाद भी बाहर आता है ना, तो बेबी एटलीस्ट ब्रीथ कर सकता है, तो यू नॉट गोइंग टू हैव सम लाइक एनी काइंड ऑफ टेंशन और समथिंग। अब मेरी बिल्ली ही ये कलर की है और बिल्ला ही ब्लैक कलर का है, तो मेरे सारे बच्चे ऐसे ही होने, आराम से बिल्लो नहीं उठना प्लीज़, नहीं नहीं मेरी जान आप नहीं उठो, मैं हूँ इधर ही, बैठो बैठो आप बैठो, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ बिल्लो, जल्दी बैठ जाओ, अरे भैया, ओके। सो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कभी कभी, ठीक है, कि बेबी और प्लेसेंटा स्टक हो गए, मतलब बहुत टाइम हो गया वो निकल नहीं रहा है प्लेसेंटा, सो व्हाट आई डू इज़ मैं कट कर देती हूँ बहुत केयरफुली, बट अभी निकल गया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, मैं इसे उठाकर कर दूँगी अभी, ठीक है, एंड आई विल शो यू, साइड साइड साइड, सफिया कम यू ना, ओके। सो अभी मैं इसको उठाती हूँ इस तरह से, बिस्मिल्लाह, एंड आई विल मूव दिस, एक्चुअली आज मैं जा रही थी बाहर, बट बिकॉज बिल्लो का मॉर्निंग में ही मैंने नाटक देख लिया था, तो आई वॉज अवेयर ऑफ कि ये बच्चा देने वाली है, और मैंने प्लान कैंसिल आउट कर दिया, जस्ट होल्ड ना लाइक दिस, कम योर एंड होल्ड, ऐसे ऐसे होल्ड कर, तो ये तीसरा बेबी है, और एक और के चांसेस है, पर अभी तक उसने एक भी जादू नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ आई एम हैप्पी फॉर, कि एक भी जादू नहीं दिया उसने, से बात बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसे नहीं बोलते, तो एक इंच रखना है आपने और कट करना है, अब इसमें ब्लीडिंग बहुत निकलेगा, क्योंकि रेड रेड आप खुद ही देख रहे हो कितना है, ओके हेलो, हाँ हाँ ब्लीडिंग निकलेगा इसमें, क्योंकि बहुत बहुत हाँ इतना तो निकलता ही है, ठीक है।
अभी इसको हम ये नेक्स्ट वाले क्लोथ में ले लेंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो इसमें इसको ले लेंगे और जो प्लेसेंटा है उसको हम देखते हैं। बच्चा मूव कर रहा है ना, वो मुँह पे वो जमा था ना, एक चुपू सो मूव कर रहा है। मैं डर गई थी, मुझे लगा मूव नहीं कर रहा है, बट अभी ये ब्लीडिंग पहुंचना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा ही, मैंने बोला ना आपको इसको ब्लीडिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ना तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। वी नीड टू लाइक मेक श्योर कि रुके, ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग रुकनी चाहिए, ठीक है, रुक जाएगा ना? हाँ रुक जाएगा, आपने इसको प्रेस करना है। अब ये अपनी मम्मी को बुलाना शुरू कर रही है, उससे पहले इसे गर्म पानी से मैं थोड़ा वाइप कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को शो करती हूँ। इसके बाद आपने हल्का से इसको वाइप करना है गर्म पानी से, ठीक है, चलो। ओके सो काफ़ी जगह गंदी होती जाएगी बिकॉज वो एक जगह डिलीवरी नहीं करते, जो कि बच्चा डिलीवर नहीं करते, हर जगह मूव करते रहते हैं। सो ये मैंने निकाल दिया है इसमें से, जो बिलो खाएगी तो ये से रख देना है, इसको मूव नहीं करना है। और अभी ये तीनों काले काले से बच्चों के साथ बिलो बैठी है। ये जो फर्स्ट बेबी हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्रिंक करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब फीडिंग के लिए ढूंढ रहा है, और जो अभी न्यूली हुआ है वो मूव नहीं कर रहा है, उसको बिलो बहुत चाटेगी, हीट देगी तो वो भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। और इस तरह से ही बहुत टेंशन रहता है जब लोग बॉर्न होते हैं, बहुत ध्यान देना होता है, ठंडे पानी से अगर हम एक भी बच्चे को पूछेंगे ना तो वो उसी टाइम लाइक 5, 10, 15, 20 मिनट्स के बाद उन लोग डेथ हो जाते हैं। सो ठंडा पानी नहीं, हल्का गर्म कौला सा, लाइक चटका भी नहीं लगे बट गर्म रहना चाहिए, और इस हिसाब से मैं आपको इन बच्चों को पूछना है। सो जो लास्ट नाल है वो अभी तक बिलो ने नहीं खाया ना टच किया, पता नहीं क्यों वो नहीं खा रही है वो वाला। अब मे भी उसे भूख लगी तो वो खा ले, मैं उसे रखूँगी क्योंकि वो उसे ही खिलाना होता है। और ये ब्लीडिंग वगैरह मुझे पोंछना है बट पहले वो थोड़ा फिट कर ले। ड्रेस अंदर का मैंने चेंज कर दिया है बिकॉज बच्चों को हम ज़्यादा देर गंदे कपड़े पर नहीं रख सकते। ये ड्रेस भी मुझे वापस चेंज करना पड़ेगा जब बिल्लों को मैं वॉश करके अच्छे से बाहर छोड़ दूंगी, तब मुझे वापस से ये वाला नीचे के लिए चेंज करना होगा। अब ये एक प्लाजो था जो मैंने इसमें डाल दिया, अब मैं कितने कपड़े वेस्ट करूंगी अपने से इसलिए बिकॉज मुझे मेक श्योर करना होगा कि नीचे का कपड़ा सॉफ्ट हो, कॉटन हो, उस पर कुछ मोती वर्क ना हो जिससे बच्चों को चुभे या कोई ये लोग अनकम्फर्टेबल रहे। तो मार्केट जाना होगा, थोड़ी बहुत चिंदियाँ चुननी पड़ेगी कॉटन की और लेकर आनी पड़ेगी, तभी बिल्लो कंफर्टेबली बच्चों को फीड कर सकती है। अभी बच्चे फीडिंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और फीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे फीडिंग सीख जाएंगे। मेरी मिस्टेक हुई कि जब फीडिंग कर रहे थे तो मैंने लोग को छुड़ा के बाहर निकाल दिया था बिल्लो को, तो वो फीड नहीं कर पाए, बट अभी बिल्लो लोग को बराबर फीड करवा देगी। किस तरह से दूध पी रहे, मतलब फीड कर रहे हैं, तो इस तरह से शांति से रहते वो लोग। अब मुझे नीचे का वो चेंज करना है बट बिल्लो लोग को छोड़ ही नहीं रही है तो चेंज करने नहीं मिल रहा, बट सोने से पहले ये वाला काम करना है। अब इसमें से कोई भी इमेच्योर बॉर्न नहीं हुआ है तो मैं इन लोग को एसी में रख सकती हूँ, अगर कोई एक इमेच्योर बॉर्न होता तो मैं इन लोग को एसी में नहीं रख सकती थी। तो फिर अब ये फीडिंग टाइम देख लो, चलो।